good morning everyone welcome back to the online class as today we are going to start a new topic that is active and passive voice you may have learned about this uh, earlier in your previous classes right so let's see what this mean to you and uh, whether you are able to change the voice or not or what okay so active and passive voice right change the voice here after completing this chapter you will be able to do these exercises by your own but let's see the chapter if you don't know if you can't recall the memory of this active and passive voice what you have learned earlier in the classes okay let's see now i'll just say uh, sentences in the active voice are those in which the subject actively performs an action and the form of the verb shows this ठीक है लाइक एग्जाम्पल इट इज गिवन लाइक द गार्ड क्लोज द मैसिव डोर्स ऑफ द हॉल वॉट इट सेज लाइक यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट है विच इज डूइंग द एक्शन इट टेक्स लाइक इट परफॉर्म्स द एक्शन एक्टिवली ठीक है वो एक्टिवली अपने एक्शन को वहाँ पे प्रजेंट कर रहा है लाइक द गार्ड क्या किया है क्लोज किया है किस चीज़ को क्लोज किया है

तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है अगर ट्रांजिटिव वर्ब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट व्हाट से आपको पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ उसी का आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है अदरवाइज देयर्स नो चांस टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस

उसको आपको स्टार्टिंग uh, में यूज़ करना है एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको वहाँ से करना है द क्राउन हो गया फिर आपका वर्ब आ जाएगा हैज़ बीन स्टोल एंड वाई यहाँ पे वीन हुआ तो ये रूल है विच यू हैव टू मेमोराइज कि ये इसमें चेंज होगा ये इसमें चेंज होगा ये इसमें चेंज होगा ठीक है तो मूविंग ऑन लेट्स सी वॉट यू हैव टू डू इन द पैसि फोकस ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्शन इट से सब्जेक्ट और द एजेंट परफॉर्मिंग दैट एक्शन इज अन इम्पॉर्टेंट और अनून मतलब वो कौन एक्शन कर रहा है क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? है ना वो बस लाइक फोकस रहता है सेंटेंस पे ही नॉट ऑन द सब्जेक्ट जैसे आप देख रहे थे एग्जांपल में दिया हुआ था द गार्ड क्लोज्ड द मैसिव डोर ऑफ द हॉल राइट अब देखो यहाँ पे द मैसिव डोर ऑफ द हॉल आर क्लोज इट डजेंट मैटर वेदर द गार्ड हैज डन और वॉट एवर राइट इट डजेंट फोकस ऑन द सब्जेक्ट इट जस्ट फोकस ऑन द सेंटेंस ओके वेन वी ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इंटू अ वन इन पैसिव द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस ओके आपको क्या क्या चेंज करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वॉट यू हैव टू डू इज दैट अगर सब्जेक्ट है द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सचेंज देयर पोजिशन सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा ठीक है इफ द सब्जेक्ट अपीयर्स इन द सेंटेंस इन इन द पैसिव वॉइस इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद बाय ठीक है अगर वहाँ पर सब्जेक्ट को आपको ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट के आगे में बाय लगेगा तभी वो, वो अब सब्जेक्ट उसके बाद आप राइट डाउन कर सकते हो ठीक है थर्ड द वर्ब टेक टेक्स ऑन द सुटेबल पास पार्टिसिपल फॉर्म एंड एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द ऑब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट पोजिशन ठीक है सब्जेक्ट पोजिशन के अकॉर्डिंग वो नंबर पर काम करेगा और एक और चीज़ की इसमें जितने भी वर्ब होंगे पैसि वॉइस में दे ऑल कंसिस्ट ऑफ दिस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही ये लेगा और अदरवाइज इट वोंट टेक एनी ऑफ द वर्ब कोई भी वर्ब ये नहीं लेगा सिर्फ वर्ब लेगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर एग्जाम्पल सी क्या क्या चेंजेस करना है द गवर्नर इन इनाग्यूरेटेड द म्यूजियम ठीक है आपको क्या करना है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट करना है ठीक है तो म्यूज़ियम आगे ले आओ ठीक है द म्यूज़ियम अब है इनाग्यूरेटेड अब इन्हें इनाग्यूरेटेड को क्या करोगे तो वो तो थर्ड फॉर्म में जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे थोड़ा सा टेंस चेंज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है बट इट विल बी डन पहले आप चेंज करना सीख लो subject और object, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया अब क्या करना है जैसे ही आप द गवर्नर को आप द म्यूज़ियम की जगह पे ले जाओगे उसके पहले आपको बाई लगाना है जैसे आप देखो द म्यूजियम आ गया वो फर्स्ट में वॉज इनागरेटेड हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल है वो और गवर्नर जैसे प्लेस करेंगे तो उसके पहले आपको बाई लगाना इट इंट्रोड्यूस्ड विथ बाई तो बाई द गवर्नर ठीक है सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस मे और मे नॉट हैव द एजेंट और द डूअर ऑफ द एक्शन मैंसन कभी कभी वहां पे हम जरूरी नहीं द म्यूजियम वॉज इनागरेटेड भी सही होगा विदाउट प्लेसिंग दैट सब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक बाई द गवर्नर वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक है एग्जाम्पल द बैरिकेड वॉज ब्रोकन डाउन ये पैसि वॉइस में ही है और एजेंट इसका है नहीं मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं सिमिलरली द सेकेंड वन ऑल्सो नाउ बिफोर गोइंग लाइक फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेबल एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टेबल इसको याद करना है ठीक है आपको मैं कैसे याद करवाऊंगी आई टेल यू वॉट यू हैव टू डू द टेबल गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेज इन द पेस्टिव वॉइस फॉर द वेरियस वर्ब टेंसेस देखो क्या करना है सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में चीज़ में चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है प्रेजेंट परफेक्ट है ठीक है पास्ट सिंपल पास्ट है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस वो कैसे चेंज होगा तो देखो अब कैसे चेंज होता है ही मेक्स पॉट अब ये मेक्स पॉट्स अगर आगे आ गया तो उसके लिए इज आर है यूज करेंगे ना आर यूज करेंगे अब एज यू नो यू हैव ओनली हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा मेड तो आर लगा मेड हुआ और इंट्रोड्यूस करना है सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ बाई राइट द पॉट्स आर मेड बाई हिम वहाँ पे जो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम क्या में चेंज करेंगे उसको हम लोग चेंज करेंगे विद द आर विद द हेल्प ऑफ द आर ठीक है ही इज मेकिंग पॉट्स है तो अब उसको क्या करेंगे तो पॉट्स आर पॉट्स आर अब वहाँ पे आई एन जी फॉर्म लगा हुआ है ना मेकिंग में तो उसके आगे में क्या यूज करेंगे बींग यूज करेंगे क्या यूज करेंगे बी बीइंग यूज करते हर आईएनजी फॉर्म को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तब ठीक है बीइंग हो गया और एज यू नो वर्ब का तो थर्ड ही फॉर्म लेना है तो मेड हो गया मेड बाय हिम ठीक है ही हैज मेड द पॉट्स पॉट हैज बीन यहाँ पे लगेगा क्या लगेगा बीन तो दिज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इसका तो आपको याद करना ही पड़ेगा एंड यू डोंट यू कान चेंज दिस ही हैज़ बीन मेकिंग पे पॉट्स इसका कोई चेंज नहीं होगा ठीक है ये वैसे ही के वैसे ही रह जाएगा और इसका पैसे होगा ही नहीं तो आपको तीन ही याद करना है ठीक है सिमिलरली आप देखो यहाँ पे अभी पास्ट वाले में मेड ऑलरेडी है वहाँ पर तो क्या करना है तो जैसे आर इज एम लगाओगे वैसे ही यहाँ पे वॉज और वेयर लगेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर अगर पॉट्स है तो वेयर अगर पॉट्स नहीं रहेगा तो वॉज ठीक है वैसे ही ही वॉज मेकिंग पॉट्स में आपको क्या करना है तो पॉट्स मेकिंग के लिए क्या बीइंग यूज करना है क्योंकि आई एन जी फॉर्म है ना तो बीइंग मेड बाय हिम ओके यस ऑल्सो यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन अगर ही है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हिम होता है है ना शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है तो हर होता है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है वैसे अगर कोई लड़का है लाइक राम है श्याम है शीता या कुछ भी है तो उसका नेम नेम ही रह जाएगा बट अगर प्रोनाउन है दे तो प्रोनाउन का वो चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ठीक है ही हैज़ मेड द पॉट तो उसका सेम चीज़ हो जाएगा क्या पॉट्स हैड बीन मेड बाय हिम और ही हैड बीन मेकिंग पॉट्स का कोई चेंज नहीं होगा ठीक है मूविंग ऑन अभी फ्यूचर का है तो फ्यूचर में सिर्फ दो ही चेंज होगा दो चेंज नहीं होगा ठीक है देखो जैसे दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर में ही विल मेक पॉट्स तो इसका आंसर क्या होगा पॉट्स विल बी मेड बाय हिम ठीक है कंटीन्यूस का चेंज नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज होगा अब देखो कैसे होगा फ्यूचर परफेक्ट वो कंटीन्यूस नहीं है कंटीन्यूस लास्ट वाला है गल गलत प्रिंट किया हुआ है ठीक है Let's तो इसका दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ही विल है मीन्स वो गलत है वो ही विल हैव मेड पॉट तो क्या होगा इसका ही विल हैव बीन मेड मतलब पॉट्स विल हैव बीन मेड बाय हिम ठीक है और ये गलत दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस उसका हेडिंग गलत दिया हुआ है वहाँ परफेक्ट होगा नॉट परफेक्ट कंटिन्यूस ओके द यूज ऑफ इट इट का भी यूज़ किया जाता है ठीक है लेट्स वेन वी यूज़ अ जनरल टर्म लाइक पीपल एज अ सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस वी सब्सटीट्यूट ईट विथ इन इन पैसि वॉइस ठीक है अब क्या करेंगे जैसे कि आपको पीपल वगैरह के यूज़ किया हुआ तब उसमें क्या करोगे आप कैसे उसको बनाओगे तो उसको ऐसे बना सकते हैं लाइक पीपुल से किंग विक्रम आदित्य स्टोरी इज अ मिथ ठ ठीक है अब इसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव ही में कैसे चेंज करोगे तो इट इज़ सेड ठीक है इट इज़ सेड दैट किंग विक्रमादित्य स्टोरी इज अ मिथ ठीक है आप इसको इट से इंट्रोड्यूस करोगे फॉर मेकिंग इट इट पैसिव वॉइस ठीक है इट इज़ सेड दैट वहाँ पे दैट का यूज़ करोगे और जो टेंस यूज़ करना है उसको टेंस में यूज़ करोगे से आपका सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट तो ईज आर एम से इंट्रोड्यूस होगा ना तो इट लगाएंगे से का आपको लिखना है होगा इज सेड एंड डैट लगा के आप फिर सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो ठीक है ना चेंजिंग कमांड्स टू पैसिव वॉइस हाउ यू विल डू दिस कमांड्स एज वेल वी ऑल नो आर इन एक्टिव वॉइस वी चेंज देम इन टू वॉइस हाउ यू विल चेंज दैट सेल दिस ओल्ड मशीन ऑफ एंड बाय दिस न्यू वन तो इसको कैसे चेंज करेंगे तो लेट द ओल्ड मशीन बी सोल्ड ऑफ एंड अ न्यू वन बी बॉट ठीक है ये थोड़ा ईजी आपके लिए रहेगा बिकॉज ये ईजी होता है बिकॉज ये डायरेक्ट बनता है और सीधा सीधा बनेगा तो सेल दिस ओल्ड मशीन को क्या करेंगे लेट द ओल्ड मशीन सेल का क्या होगा बी शोल्ड हो जाएगा वहाँ पे ठीक है एंड ऑफ ऑफ होगा एंड वहाँ पे अ न्यू वन हो जाएगा ठीक है थोड़ा पैसे में थोड़ा बहुत चेंजेस करने ही पड़ेंगे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ओके न्यू वन बी बॉट ओके सेकेंड वन चॉप द वेजिटेबल फास्ट एंड कूक देम बिफोर नून तो कैसे होगा लेट द वेजिटेबल बी चॉप्ड फास्ट एंड कुक्ड देम देम वहां से हट जाएगा ठीक है एंड कुकड बिफोर नून क्योंकि देम वहाँ से हम लोग रिप्लेस किए हैं ना वो ऑलरेडी सब्जेक्ट की जगह पे तो उसको ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो यू नो व्हाट यू हैव द चेंजेस यू हैव टू डू लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द दिस ग्रीन बॉक्स द वर्ब बी एंड हैव व्हेन यूज्ड एज अ मेन वर्ब डू नॉट हैव अ पैसिव फॉर्म जैसे अगर आपका दिया हुआ डू और लाइक uh, हैव like, uh, दिया हुआ बी दिया हुआ तो वहाँ पर कोई भी पैसिव फॉर्म टेक प्लेस नहीं करेगा जैसे दे आर बोर्ड तो उसका पैसिव इस बनेगा बोर्ड बोर्ड आर दे होगा नहीं ना नहीं होगा विल और आर ह्यूमंस दे अ स्विमिंग पूल तो ए स्विमिंग पूल हैव दे ऐसे होगा नहीं उसका नहीं हो सकता है. तो याद रखना है बी मतलब इज आर एम वॉज वेयर और अगर हैज है अ मेन वर्ब मेन वर्ब उसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं है तब उसका फॉर्म हो नहीं होगा ठीक है गॉट इट सो

active to passive voice okay so this is all about uh, this chapter and we'll meet with the another chapter adverb okay and with that adverb of prepositions okay so have a nice day to all and bye everyone